मैं कहा जेड़े कौम दे राज उगल के बाहर सुटन यानी कौम दे खुफिया राह दे एजेंटा ना मरी जाके मुलाकात करे। डरो खुदा से होश करो, ये गद्दारियां जड़िया ने मुल्क दे बर्बाद कर देंदियां। जेड़ा गद्दार होवे गद्दार के लिए सजा जो है वो माफी है ही नहीं। हाँ इब्राहिम गारदी सी ना, इब्राहिम गारदी अहमद शाह अब्दाली जो हमला किया ना हिंदुस्तान से, इब्राहिम गारदी मुसलमान सी, वह मराठा फौज जड़ी सी ना उदे तोपखाने का इंचार्ज सी। जो अहमद शाह अब्दाली आया तो उन्हें उन्होंने खत लिखा बंदा भेजा, उन्हें कहा कुफर इस्लाम की जंग है, तू मराठिया की फौज की यह निगरानी न कर, ये तोपखाना छड़ के मुसलमानों वाल आ जा। उन्हें कहा नहीं नहीं मैं मराठिया का नमक खाधा, मैं उन्होंने गद्दारी नहीं कर सकता, मैं उन्होंने तरफों तेरे नाल लड़ना है। उन्हें कहा ठीक है, मैदान लग गया। अहमद शाह अब्दाली रब ने फतह दी। हाँ जी इब्राहिम गारदी गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो 70 साल गद्दारा नाल इतने माफ़ी हुई। हाँ जे गद्दारा माफ़ी ना हुई होंगी तो ना बंगलादेश टुटता, ना बलोचिस्तान के हालात खराब होंगे। हाँ जी तो ना जनाब सरहदों से बम मरसते, ना बाजारों में खुदकुश हमले होंगे, ना फौज उत्ते हमले होंगे, ना पुलिस उत्ते हमले होंगे, ना मस्जिद बम धमाके होंगे, ना दाता साहब बम धमाके होंगे, ना बाबा फरीद बम धमाके होंगे, ना आफिया सिद्दीकी कोई वेचता, ना मस्जिदों के स्पीकर उतरते, ना जनाब मिर्जाइया कोई बहन बिराह कहता, ना मुमताज़ कादरी फटे लगता, ना 295 सीधा किसी को दर्द आता जे गद्दारा सजा दी होती। हाँ जी ये सारी ये कि गद्दार जना नहीं जी नहीं 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 गद्दार इब्राहिम गारदी जो आया ना अहमद शाह अब्दाली हुक्मरान होते हैं ये। हाँ जी हुक्मरान होते हैं ये जिनके पास फैसले की पावर होती है। हाँ जी इब्राहिम गारदी जो गिरफ्तार होकर सामने आया ना तो अहमद शाह अब्दाली कह लगा माफी चाहता हूँ गलती हो गई, लखा सलाम हो अहमद शाह अब्दाली तेरे ते। उन्हें कहा इन तोप के मुंह नाल बनो, हाँ जब मुसलमानों के खिलाफ तू सारा कुछ करने के बाद अब ऐसे करने से क्या होता। उन्हें क्या तोप के मुंह नाल बन के ना उन्हें क्या चलाओ है गोला। जब उन्हें गोला चलाया ना तो उन्हें तारीखी जुमला क्या इब्राहिम गारदी नू, उन्हें क्या कमीनिया मैं तन उस वेले जी के सी वापस आ मुसलमानों की तरफ, तू मराठिया के तोपखाने चला के हुण कहंदा माफी। हाँ उसने तारीखी जुमला किया, काश के मुसलमान इन समझते। उन्हें जब उड़ाया ना उसके परखचे उड़े तो कह लगा सुन खताकार के लिए माफी है, गद्दार के लिए कोई माफी नहीं। जेड़े पाकिस्तान अल्लाह अकबर की गूंज बर्दाश्त न कर सके कहते एक तरफ स्पीकर लाओ, चार तरफ लाओगे तो अल्लाह अकबर की गूंज आ जाएगी। इन्हों तो वड्डा गद्दार कायनात कौन सी जिन्हें अल्लाह दे अल्लाह अकबर की गूंज उठती सी ना हर तरफों। लाहौर पता लगता सी सरगी दे वेले जब तो खत्म होंदी अजाना होंदिया सन पता लगता सी हर तरफों अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्हें बंद करके केड़े तुसी कौन से पाकिस्तान की बात करते हो।